तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग, आए हो काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग भी। मेरा नाम है रूपम और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल दैट इज़ रूपम ब्लॉग्स। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। अकेले उससे कुछ नहीं होगा, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। उसको जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड करता हो उसका नोटिफिकेशन के लिए वो होता है बेल आइकन, तो उसको जल्दी से जल्दी क्लिक कर दीजिए। मेरे चैनल में आपको मिल जाता है बाइक से रिलेटेड रिव्यू, थोड़ा बहुत मोटर ब्लॉगिंग, थोड़ा बहुत बाइक से रिलेटेड न्यूज़। और आज मैं बात करूंगा यामाहा की न्यू एक वेरिएंट लॉन्च हुआ है डेट इज़ FG FI। इसमें क्या नया है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और लास्ट तक देखिए अगर इसका प्राइस आपको जानना है तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यामाहा ने लॉन्च किया है न्यू FG FI वर्जन के साथ रियर डिस्क वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। एंड यामाहा की तरफ से ये सेकंड लॉन्च है, ये 2 वीक के अंदर। इसके पहले जो लॉन्च की गई थी डेट इज़ यामाहा R1 15 दैट इज़ वर्जन 3.0 विद न्यू ग्राफिक डिज़ाइन के साथ। और ये जो सेकंड जो यामाहा की तरफ से फेमस गाड़ी है वो भी लॉन्च की गई है, डेट इज़ FG को भी लॉन्च किया गया है न्यू वेरिएंट के साथ। सो मेन क्वेश्चन ये है कि क्या नया है इस गाड़ी में। सो फ्रेंड्स यामाहा FG FI में नया है आपका रियर डिस्क ब्रेक। और वैसे भी काफ़ी जितनी बाइक कंपनियाँ हैं वो आजकल गाड़ियों में रियर डिस्क ब्रेक का ऑप्शन डालना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे रिसेंटली अभी पल्सर NS 160 ने भी रियर डिस्क ब्रेक का वेरिएंट लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा फीचर्स भी है अगर सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो। अगर मेरा ओपिनियन की बात करो तो ड्रम ब्रेक काफ़ी ओल्ड हो चुका है और उसमें फीडबैक भी काफ़ी कम मिलता है जब भी आप ब्रेक लगाते हो या अप्लाई करते हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छा है, उसमें हल्का सा भी टच करने पर भी ब्रेक लग जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो। सो फ्रेंड्स यामाहा FG FI रियर डिस्क ब्रेक वेरिएंट में आपको कितने कलर ऑप्शन मिल जाता है। वैसे तो सिर्फ 2 ही कलर ऑप्शन मिलता है आपको इस गाड़ी में। पहला मिलता है आपको ग्रे और दूसरा होता है मैट ग्रीन कलर, इसमें आपको मिल जाएगा। और वही डिकैल की बात करो, इसके पहले मिलता था आपको सिल्वर में डिकैल मिलता था, लेकिन अभी आपको मिल जाता है येल्लो में डिकैल्स। और वैसे भी गाड़ी में पहले भी येल्लो में ही डिकैल्स आते थे, बहुत पहले सिल्वर में लॉन्च हुआ था। सो फ्रेंड्स अब इसके मैकेनिकली इसके इंजन के बारे में बात करो तो ये काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी क्या एक्चुअली सिमिलर ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया है कंपनी ने। सो इसका जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, यस। और इसका जो पावर आउटपुट है वो 13 BHP का पावर आउटपुट मिलता है। एंड इसका जो टॉर्क मिलता है वो मिलता है आपको 12.8 Nm का टॉर्क इसमें मिल जाता है, जो कि मैनेज होता है 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। एंड वन मोर थिंग, इसका जो पावर आउटपुट है वो काफ़ी कम है। जितनी मैं बात करूँ इस सेगमेंट की गाड़ियों की उससे काफ़ी पावर कम लगती है मेरे को, लेकिन इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। इंजन रिफाइनमेंट इज़ गुड बट पावर कम है। तो फ्रेंड मैक्सिमम लोग का ये क्वेश्चन होगा, ये इतनी जल्दी इतनी गाड़ी लॉन्च क्यों कर रहा है यामाहा। तो यामाहा की तरफ से एक कैंपेन स्टार्ट किया है उन लोगों ने, दैट इज़ द कॉल ऑफ द ब्लू कैंपेन, यस। ये उस कैंपेन के थ्रू ही ये 2 गाड़ियों को लॉन्च किया गया, दैट इज़ R15 वर्जन 3.0 एंड यामाहा FG FI रियर डिस्क ब्रेक वेरिएंट। सो इस कैंपेन के थ्रू कंपनी ये बताना चाहती है कि यामाहा की स्पिरिट एंड कोर आइडेंटिटी क्या है मार्केट में। यामाहा ने कुछ दिन पहले लॉन्च किया था यामाहा ZR रैली एडिशन, ये भी उसी कैंपेन का ही एक हिस्सा है। सो फ्रेंड्स यामाहा FG FI की मैं बात करूँ तो ये जब लॉन्च हुई थी तो ये पहली ऐसी सेगमेंट यानी 150 सेगमेंट की ऐसी बाइक थी जिसमें फ्यूल इंजेक्शन ऑप्शन मिलता था, लेकिन तब से अब तक सिर्फ थोड़ा बहुत टेक्निकल ही चेंजेस हुआ है, उसमें काफ़ी चेंजेस नहीं किया गया। तो फाइनली न्यू वेरिएंट लॉन्च तो किया है इसमें रियर डिस्क ब्रेक के साथ, लेकिन इसमें अभी भी एक चीज़ की कमी है जो मुझे लगता है बताना चाहता हूँ, या यामाहा से कोई देख रहा है तो उसके लिए भी बता दो। अगर आप इसमें या ABS का ऑप्शन देते तो काफ़ी अच्छी होती, क्योंकि मैक्सिमम जो सेगमेंट में गाड़ियाँ उनमें ABS का ऑप्शन आजकल मिल जाता है और इस गाड़ी में ABS का ऑप्शन अभी भी नहीं है, तो थोड़ा लैग कर जाती है कॉम्पिटिशन में। लेकिन रिफाइनमेंट और इंजन की बात करूँ यामाहा की तो काफ़ी अच्छी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यामाहा गुड है। तो मेन बात करें इस गाड़ी की वो है प्राइस। प्राइस इसमें आपको मिल जाता है, ये रियर डिस्क ब्रेक का वेरिएंट है, डेट इज 84,072 रुपीज़ एक्स शोरूम की प्राइस की बात कर रहा हूँ। और इसका जो प्राइस है वो 4,000 रुपीज़ मोर है जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है। अब आप लोग बोलोगे यार इसके पार्ट्स के बारे में बात नहीं की। फ्रेंड्स मैं पार्ट्स के बारे में इसलिए बात नहीं करूँगा, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो काफ़ी वीडियोज़ आपको इसमें मिल जाएंगे बाइक से रिलेटेड। इसमें आपको टायर, इसके शॉकअप, क्या क्या मिल जाता है, क्या ग्राफिक्स है, सीट कैसा है, तो उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने वो चीज़ आपको पता ही नहीं है, वो आप दूसरे वीडियोस में सर्च कर सकते हैं। मैं एक ही चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता जो लोग रिपीट करते हैं, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि क्या नया आया है इस गाड़ी में। सो मैंने उसके बारे में ही बात किया है। आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, ब्लॉग जो भी होगा तब मिलेंगे। टिल देन चाओ।